सर इसके वजह से आपको गाड़ी में ऑफ होने का प्रॉब्लम आ रहा, तो बता दूं प्रॉब्लम क्या है ये आपको, और एक्चुअली ये गाड़ी का प्रॉब्लम आया क्यों मैं बोलता हूं आपको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआर मोटर गैरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो है सुजुकी ब्रकमैन के ऊपर, ठीक है। ये गाड़ी में एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज मेरे पास गाड़ी आई, मैं आपको उसका फॉल्ट बताता हूँ। मैं चाबी अभी ऑन करा, ठीक है, आप देख सकते हैं मीटर इसका ऑन हो रहा अभी। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, जैसा स्टार्ट करा मैं आप देख सकते हैं रेस कर रहा हूँ, जैसा एक्सेलेटर इसका छोड़ा यानी इमीडिएटली गाड़ी ऑफ हो जा रही, यानी ऑफ होने का प्रॉब्लम है गाड़ी को। ये अब फिर दोबारा स्टार्ट करके बताता हूँ आपको मैं, ये स्टार्ट हो गई फिर ऑफ हो गई गाड़ी। तो यानी ये गाड़ी के अंदर ऑफ होने का प्रॉब्लम है। तो अभी कस्टमर मेरे पास ले लेके आया, तो मैं पहली चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपकी अगर कोई भी सुजुकी ब्रकमैन रहें दो या एक्टिवा 6G रहें दो, कोई भी गाड़ी है, तो पहले अपन इन्फॉर्मेशन उसका मालूम करना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूँ ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो याद रखिए, जब भी आपकी गाड़ी अगर स्टार्ट करे बाद में, अगर इमीडिएटली अगर आप एक्सेलेटर छोड़ते कि गाड़ी अगर इमीडिएटली ऑफ हो जा रही, तो इसके अंदर दो प्रॉब्लम है थे। पहली चीज़ आप देखिए मीटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखे हुआ नहीं है। तो अगर आपको प्रॉब्लम अगर आने की दो वजह रहती, एक रहता कि इसका जो फ्यूल इंजेक्टर रहता, अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे आपको सीधा शो करता कि F1 यानी फ्यूल इंजेक्शन का प्रॉब्लम है बोल के। अभी ये गाड़ी कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूँ। अगर आपको यहाँ पर अगर शो करा कि FI बोल के अगर आया, तो समझ जाओ कि आपकी कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जो एक सेंसर रहता वो सेंसर खराब हो गया। अगर नहीं, अगर विदाउट अगर शो के अगर FI अगर नहीं आ रहा, तो अगर फिर भी गाड़ी आपकी ऑफ हो रही, तो उसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल चीज़, पहले तो अपन इसका सीट का बॉक्स खोलेंगे, पहले इसके बोल्टा खोलेंगे। इसको ले बेटा, यहाँ पर 10 नंबर के बोल्ट आते हैं, यहाँ पर 10 नंबर के बोल्ट, उसको ले बेटे, इसको फटाफट। यहाँ पर भी एक बोल्ट आता हूँ सामने, उसको खोल दो जल्दी। आजकल क्या है, जितने भी BS6 गाड़ियाँ हैं, जितने भी फिलेंटर गाड़ियाँ हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलते जा रहा। क्योंकि BS3 BS4 जितने अच्छे थे, ये BS6 जब से आए तो हर गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन कितना ही प्रॉब्लम हो, काम तो करना ही करना है, क्यों तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। ये एक बोल्ट खोल दिया, यहाँ पर एक चलिए, यहाँ का एक बोल्ट, यहाँ के दो बोल्ट और यहाँ के स्क्रू खोले बात नहीं, ये सीधा डिक्की का बॉनट उड़ जाता है, निकाल दे बेटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है सीधा सीधा इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर, चाहे उसको फ्यूल इंजेक्टर बोलो या थ्रोटल बॉडी बोलो या फिर फ्यूल इंजेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन काम आपको ये करने वाला है। तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखो, अगर एक बाइक को अगर एक जना बाइक बोलता है, एक मोटरसाइकिल बोलता है, एक जना गाड़ी बोलता है, एक जना व्हीकल बोलता है, यानी हर एक अपने अपने नाम से अलग अलग बोलते हैं, लेकिन अपने को नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए आप, ये जो इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर जो भी बोलते हैं ना उसको, इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा सेंसर आता, तो ये सेंसर की तरफ से गाड़ी ऑफ होने का प्रॉब्लम होता। अगर आप, मैं चाबी खोल के बताता हूँ आपको, अगर आपको यहाँ पर F1 जो लिखे हुआ नहीं है, तो याद रखिए इसको अपन खोल के क्लीन करने से आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होता। अगर यहाँ पर अगर आपको F1 आ गया फ्यूल इंडक्शन बोल के, तो याद रखिए तो आपको ये सेंसर चेंज करना बहुत ज़रूरी रहता। ये मेरे ख्याल से 1700 या 1800 लगभग रहता, ये चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको खाली क्लीन करके लगाएंगे, इससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको कैसा क्लीन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल चीज़, आपको पेट्रोल से वॉश करके लगा देना, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना नहीं है, ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज़ क्या करें, यहाँ पर एक क्लिप है, ठीक है, इसको प्रेस करना है, प्रेस करें तो बाहर ये नहीं निकल जाता। उसके बाद में कि अगर आपके पास छोटा स्कूटर है, मैं तो अक्सर ये क्या है जट से खोलता हूँ, क्योंकि जट क्या इतना मजबूत रहता है कि इसके पॉइंट से ना स्लिप नहीं होते। चलो खुल गया है, सबके काम करने का तरीका अलग अलग रहता, सो अपने अपने हिसाब से काम करते। तभी अपन खोल दिए, उसके बाद में सीधा सेंसर बाहर निकालेंगे अपन। अभी ये सेंसर है वो, इसके वजह से गाड़ी ऑफ होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ क्या। इसके अंदर सेंसर है, इसके वजह से आपको गाड़ी में ऑफ होने का प्रॉब्लम आ रहा। तो बता दूँ प्रॉब्लम क्या है ये। फ़ोन की तो क्लैरिटी सही नहीं है, क्योंकि फ़ोन छोटा है मेरा, इंशाल्लाह अभी बड़ा लूँगा फ़ोन। आप देख सकते हैं इसके अंदर बीच में पूरा कार्बन आ गया है, मैं बताता हूँ आपको, ये पूरा कार्बन आ गया, इसके वजह से गाड़ी में आपकी ऑफ होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था। आप देख सकते हैं, दिख रहा आपको, ये देख सकते हैं आप, साइडों में जितना भी है ना पूरा कार्बन जम गया यहाँ पर। एक सेकंड में बताता हूँ आपको, ये जितना भी है ना साइडों में, ये पूरा कार्बन जम गया यहाँ पर। ये कार्बन जमने की वजह से ये सेंसर काम नहीं करता। तो अभी अपन क्लीन करके लगा देंगे, उसके बाद में इसका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाता, ठीक है।
आप देख सकते हैं मैं पेट्रोल से सेंसर को अच्छा सा वॉश कर लिया, इस पर जितना भी कार्बन था ना ये कार्बन पूरा साफ हो गया एकदम। यानी कार्बन की तरफ से क्या होता है, गाड़ी आपकी ऑफ होने का प्रॉब्लम शुरू होता है आपको। तो अभी अपन क्लीन कर लिए, ठीक है, इसको वापस लगा के मैं लगा के आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अभी सेंसर फिट करेंगे, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ मैं आपको कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो सिंपल चीज़ क्लीन करके लगाइए, अगर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल से क्लीन करके लगाइए, अगर नहीं समझ में आया तो इसके अंदर आपको लिक्विड आप मिलते हैं, ठीक है, वो लिक्विड से भी आप क्लीन करके लगा सकते हैं। चलिए ये फिट होगा, और कभी भी याद रखिए सेंसर के पास जो ओरिंग है ना वो ओरिंग कंपलसरी एग्जैक्टली अंदर बैठना, अगर उसके अंदर गैप आया तो याद रखिए गाड़ी आपकी रेस होना शुरू होती उल्टा। चलिए अब सीधा गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे, अभी चाबी ऑन करा, आप देख सकते हैं गाड़ी एग्जैक्टली अब आरपीएम पे ठहरी गाड़ी। तो सिंपल चीज है, अब बड़ा काम कुछ भी नहीं है, बस आराम से आप बस इसको खोल के साफ करना है, उसके बाद में गाड़ी का आपका आरपीएम एग्जैक्टली ठहरती गाड़ी। वरना क्या होता है जब गाड़ी अपन एक्सटर्नल छोड़ती गाड़ी ऑफ हो रही थी, आप देख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर F1 का मैं आपको समझाया ना, अगर F1 आ गया तो आपको सीधा सीधा सेंसर चेंज कर देना, अगर F1 नहीं आया उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी ऐसा कर रही तो बस खोल के अगर उसको वॉश करके लगा दीजिए, उसके बाद में आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। क्या है, अपन प्रोफेशनल BS6 के मैकेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लेना जरूरी है, क्योंकि देखो काम करने से काम आता, वरना हम पुराने दूसरे BS4 के BS6 नहीं। आप कोशिश करिए, बेशक आप कामयाब होते। अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।